योजना का बाद हो, जितना बाद हमने चुनाव का समय किया था, उरिया अस्मिता का बाद हो, सारे बाद हम पालन करने का पूरा भरपूर कोशिश करूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप जैसे अमित शाह जी ने बताया ऐसा ही होगा, आप लोग का कृपा और आशीर्वाद बने रहे। देखिए, उड़ीसा में अद्भुत संभावना है, उड़ीसा में रिसोर्स है, रिसोर्स इम्प्लीमेंट कर, रिसोर्स को अच्छा जगह में इम्प्लीमेंट हो। उड़ीसा का जो हमारा पास जो संपद है, एक एक संपद उड़ीसा का जनगण के लिए व्यवहार हो, मिडलमैन का विनाश हो, जो भी आते हैं सीधा गरीबों का पास आए, मध्यम वर्गीय के पास आए, ये हमारा सरकार का प्रयास होगा। उड़ीसा को एक सुशासन का नया मॉडल मिलेगा, गुड गवर्नेंस का एक नया मॉडल मिलेगा। सर, जल विवाद जो आंध्र प्रदेश के साथ था और छत्तीसगढ़ के साथ था, ये जल विवाद देखिए, सारे बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद होगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं तो आज देखिए, ये तो आज शुरुआत है। रत्न भंडार का बारे में सब कुछ जानना उड़ीसा का जनता का अधिकार है। रत्न भंडार में क्या है, क्या हुआ था, कैसे डुप्लीकेट सभी आए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ उड़ीसा का जनता को जानना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ का सबसे बड़ा सेवाइत उड़ीसा का जनता ही है। तो उड़ीसा का जनता को अंधेरे में आप रख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूं हमारा मुख्यमंत्री जी रत्न भंडार का बारे में सब कुछ आप लोगों को बताएगा, कोई कुछ भी बात छुपाएगा नहीं। ये हम चुनाव में भी बोला था और आज भी हम यही बात बोलूंगा। आज का दर्शन अद्भुत था, बहुत अच्छा लगा। खास करके उड़ीसा का जनता ने हमें जो प्यार दिया, इस बार जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना, इस सरकार बनने में उड़ीसा का जनता का अद्भुत अवदान रहा, अद्भुत कंट्रीब्यूशन रहा। पूरा देश का बीजेपी परिवार उड़ीसा वासियों को कभी भूलेगा नहीं। हम आप लोगों का ऊपर हम ग्रेटफुल हैं, बहुत कृतज्ञ हूँ। आप लोगों का कारण इस बार बीजेपी का सरकार बना है। देश भर का बीजेपी कार्यकर्ता का ओर से मैं आप लोगों को नमन करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया होगा, सुशासन का मॉडल मिलेगा। मोदी जी ने जब नेता बना, पहला शब्द ही उन्होंने बोला जय जगन्नाथ। तो आप लोग इसी से अंदाज कर सकते हैं कि हम लोग कितना भावुक है। उड़ीसा का जनता के लिए हम लोग बहुत भावुक है। 21 में 20 सीट आपने दिया है, इसका कारण दिल्ली में भी सरकार बना, भुवनेश्वर में भी सरकार बना, हम लोग हमेशा नतमस्तक रहेगा आप लोगों का साथ, आप लोगों का ऊपर। जय जगन्नाथ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।